शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको एक ऐसे युवक की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस युवक को ऐसी लत लगी है कि अगर वह पूरी न हो तो वह छटपटा जाता है और अपने पूरे शरीर को जहरीला बना लिया है। 28 वर्षीय नयन पिता मथुरालाल 15 वर्ष की उम्र से छिपकली और बिच्छू खा रहा है। उसने बताया है कि मोहल्ले में एक कुत्ता व उसका पिल्ला आते जाते उस पर भौंकते थे। गुस्से में आकर उसने दोनों को पकड़कर काट लिया। दावा किया कि पिल्ला कुछ घंटे बाद और कुत्ता 3 दिन बाद मर गया। इस वजह से घर पर अब उसे खाने पीने से किसी भी वस्तु को परिजन हाथ नहीं लगाने देते हैं। उसके लिए बर्तन, कपड़े, बिस्तर सभी सामान अलग रखे गए हैं। नयन शराब का भी आदि हो चुका था। भूख मिटाने के लिए नयन का दावा है कि वह कभी बीमार नहीं हुआ, परंतु किसी दिन छिपकली का सेवन नहीं करता है तो उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, सिर दर्द होने लगता है। उसने बताया कि वह शाम के समय ज्यादा छिपकली खाता है, इसके लिए वह गांव के मंदिरों में छिपकली तलाशता है। इसकी शादी इसलिए नहीं हुई है कि परिजनों के अनुसार इसकी इस आदत के कारण उसकी जब अब तक शादी नहीं हुई है, कोई उसे लड़की देना पसंद नहीं करेगा क्योंकि वह एक जहरीला बन चुका है। वह कहता है कि जब छिपकली और बिच्छू खाए बगैर नहीं रह सकता तो वो शादी करके क्या करेगा। नयन के परिवार में 2 बड़े भाई व 3 छोटे भाई हैं और 2 बहन हैं। पिता हैं, माता की 3 साल पहले मौत हो चुकी है। इस इंसान की 15 साल की उम्र से ऐसी लत लगी थी कि बिना छिपकली के रहा नहीं जाता, इसलिए ये हर रोज छिपकली का सेवन करता है। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक।